बिहार में गठजोड़ से सत्ता में आने के बाद अब एनडीए का अगला मिशन दक्षिण भारत है। तमिलनाडु में अपना कुनबा बढ़ाने के लिए बीजेपी सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके से हाथ मिला सकती है। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईपीएस पलानीसामी ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने वाला है और अगर सूत्रों की माने तो इससे पहले ही एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी, यानी दक्षिण भारत की एक बड़ी पार्टी का साथ भी पीएम मोदी को मिल जाएगा। इसी सिलसिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कुछ केंद्रीय मंत्री अन्नाद्रमुक के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद एआईएडीएम की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अन्नाद्रमुक के पास दोनों सदनों में 50 सांसद हैं, जिनमें लोकसभा में 37 सांसद हैं और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल हो जाने पर सरकार को राज्यसभा में फायदा होगा। राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को एआईएडीएमके ने समर्थन दिया था, तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि एआईएडीएमके एनडीए में शामिल हो सकती है। 1999 में एआईएडीएमके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का हिस्सा रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके महासचिव जे जयललिता की मौत के बाद सत्ता संघर्ष चल रहा है। पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। शशिकला के जेल जाने के बाद पलानी सामी को सीएम बनाया गया है, जबकि पन्नीरसेल्वम पहले ही बगावत के सुर आम कर चुके हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।